फोटो पीएम नरेंद्र मोदी जी की काफी वायरल हो रही है, वो बैठे हुए उस शिखर सम्मेलन में और वहां पे बड़ा ही प्यारा लिखा हुआ है भारत, तो कहीं ना कहीं लोग उस फोटो को बहुत प्यार दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? भारत उस कृष्ण की भूमिका में है जिसके पास उसका कोई मित्र सुदामा है तो उसका भी कल्याण करने का वो दम रखता है, वो शिखर सम्मेलन में होकर के दिखाएगा। विकासशील वाली सूची से विकसित वाली सूची में आने वाली आजादी का प्रतिबिंब ये G20 का सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। शिखर सम्मेलन के बाद आखिर और कहां कहां तक इसका नाम और आवाज गूंज, भारत बहुत तेजी के साथ थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत जल्द बनेगा और ये हम सब देखेंगे। G20 की अध्यक्षता भारत देश कर रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, लगभग काफी लोग खुश हैं और पूरा दिल्ली जिस तरीके से दिल्ली का माहौल दिख रहा है वो देखने वाली बात है, लग रहा है कि मानो दिवाली से पहले ही दिल्ली सज गया है। इसी पर बात करने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञ सौरभ उनियाल जी मौजूद है। सबसे पहले तो सस्तक में बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। G20 की अध्यक्षता भारत देश कर रहा, हमारा भारत देश, तो क्या बोलेंगे? देखिए, ये परम सौभाग्य का बात है कि इतना बड़ा आयोजन जो अभी तक देश दुनिया के सबसे विकसित देश किया करते थे, अब वो विकासशील देशों में गिने जाने वाला भारत, हमारा भारत, गौरवान्वित भारत, वो करने जा रहा है। मुझे लग रहा है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इससे परम सौभाग्यशाली समय हमारे लिए हो सकता है। और ये हम सभी भारतवासी जो अभी 140 करोड़ भारतवासी इस दुनिया में, इस देश में इस वक्त हैं, और मैं उन NRIs को भी इसमें शामिल करूंगा जो अभी दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कारण से उनकी नागरिकता भले ही हो लेकिन उनका दिल आज भी भारत के अंदर बसता है, उनकी आत्मा आज भी भारत की गंगा में, यहाँ के पहाड़ में, नदियों में जो बसती है, उन सब की ओर से मुझे लगता है कि इतनी खुशी उनको हो रही है कि किस प्रकार से भारत आज दुनिया के विश्व पटल पर मजबूत होता दिखाई दे रहा, उनके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती दिखाई दे रही है, ये हम सबके लिए गौरव का क्षण है। सौरभ जी, कहीं ना कहीं G20 शिखर सम्मेलन का जब भी आयोजन अलग अलग देशों में होता था तो मुझे नहीं लगता कि इतना रौनक देखने को मिलती थी जैसा भारत में देखने को मिल रहा है दिल्ली में। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि भारत पर्वों का देश है, त्योहारों का देश है, इट्स अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। हमारे यहाँ पर अब हाल फिलहाल में देख लीजिए, अभी अभी जन्माष्टमी गई है, उससे पहले हमने अपना स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मनाया, हर घर पे तिरंगा लहराया गया, और अब जन्माष्टमी के बाद अभी खैर G20 तो है ही है, और अगर उसके बाद हम देखें तो नवरात्रि आ रही है। भारतवासी को यही लग रहा है कि G20 हमारे लिए कहीं ना कहीं किसी त्यौहार से कम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल एक राष्ट्रीय पर्व की तरह हो गया। जिस प्रकार से हम 15 अगस्त 26 जनवरी को मनाते हैं और अपनी आज़ादी से उसको जोड़ते हुए देखते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि विकासशील वाली सूची से विकसित वाली सूची में आने वाली आजादी का प्रतिबिंब ये G20 का सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। हाँ। तो ये एक अपने आप में त्योहार है। सौरभ जी, एक फोटो पीएम नरेंद्र मोदी जी की काफी वायरल हो रही है, वो बैठे हुए उस शिखर सम्मेलन में और वहां पे बड़ा ही प्यारा लिखा हुआ है भारत, तो कहीं ना कहीं लोग उस फोटो को बहुत प्यार दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? देखिए, जो भी भारत से प्रेम करता होगा, जो भी भारत के प्रत्येक प्रतीकों से प्यार करता होगा, उसका सम्मान करता होगा, और इसके सम्मान में मैं कहूँगा जो अपने पूर्वजों का भी मान करता होगा वो स्वाभाविक रूप से भारत से प्रेम करता होगा, और भारत की कोई भी आइडेंटिटी होगी, कोई भी आइडेंटिटी होगी, वो उसको दिल से इतना प्रेम करेगा क्योंकि उसके अंतर्गत ही उसके वो सभी बातें शामिल हो जाती हैं जो आज तक उसने बचपन में अपने स्कूल में सीखा, अपने पूर्वजों से सीखा, अपने माँ बाप से सीखा। क्योंकि मोदी जी के इस फोटो को तो लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है और G20 शिखर सम्मेलन को लेके खुशी है, लेकिन विपक्ष का कोई भी प्रतिक्रिया ना आना या कोई खुशी ना जाहिर करना, ऐसे मानो जैसे लग रहा वो हमारे भारत देश के तो है ही नहीं। देखिए, अब गठबंधन इंडिया वाले लोग, घमंडिया गठबंधन, घमंडिया गठबंधन, क्योंकि जैसे कि नाम में प्रतिबिंब उसका हो ही रहा है, लोग नाम में तो इंडिया, क्यों इंडिया रखे थे? अब देखिए, अब इंडिया रखे तो अब इंडिया तो खुद कह रहा है कि मैं भारत हूँ, इंडिया तो चीख चीख के कह ही रहा है कि मैं भारत हूँ, और जो ये घमंडिया गठबंधन है, इसका जो घमंड है, यही एक एक एक्शन जो मोदी जी की तरफ से हो रहा है उसके रिएक्शन के रूप में घमंडिया गठबंधन कुछ ना कुछ, इसको एक कहावत है हिंदी में, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ऐसा ही है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास एक ऐसा प्राचीनतम विचार है जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः संस्कारों में मिलता है, और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे विकासशील या कह ले अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो अभी बहुत पीछे हैं, विकास की रेस में बहुत पीछे हैं, भारत
उस कृष्ण की भूमिका में है, जिसके पास उसका कोई मित्र सुदामा है तो उसका भी कल्याण करने का वो दम रखता है। वो शिखर सम्मेलन में होकर के दिखाएगा। इस शिखर सम्मेलन में बहुत सारे आर्थिक सुरक्षा, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के अलावा खाद्य पदार्थों की पूर्ति से लेकर के और एनर्जी तक में भी बहुत सारे विषयों पर वार्तालाप होने वाली है, बहुत सारे रक्षा संबंधी विषयों पर बात होने वाली है। भारत देश का जो पोजीशन कहें या फिर भारत का नाम ही अपने आप में भारत बहुत बड़ी बात है, तो अब इस शिखर सम्मेलन के बाद आखिर और कहां कहां तक इसका नाम और आवाज गूंजेगा? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि आने वाले इस शिखर सम्मेलन में, आज दूसरा दिन है, कल का दिन और बाकी है, जब सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को जो विभिन्न देशों के यहाँ पर आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं, मुझे लग रहा है जब उनको बोलने का मौका मिलेगा और जब किसी एक के मुंह से कहा जाएगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, नरेंद्र मोदी जी का उच्चारण करते हुए अपना आज वो जिस देश में खड़े हैं और वहाँ से जिस मंच से बोल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो अपने आप में सुर्खियाँ होगा। और धीरे धीरे जिस देश का अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, जब वो इस शब्द का प्रयोग करेगा तो ये मैसेज सिर्फ इस शिखर सम्मेलन या भारत के या दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, उनके देश की मीडिया के माध्यम से उस देश के सभी नागरिकों तक पहुँचेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिर उसके बाद हमारा भारत पुनः भारत बन करके फिर से सामने आएगा विश्व के लिए। और मुझे लग रहा है कि इस विश्व की जब मैं बात करता हूँ तो ये वही देश है जिसमें हमने देखा है कि विक्रमशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे और दुनिया भर से स्कॉलर्स पढ़ने भारत में आया करते थे। आज स्थिति दूसरी है। और जब आते थे, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था यहीं भारत के ही राजा किया करते थे। तो ये वाली बात है। और आज हम देख रहे हैं और मुझे लग रहा पुनः जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको भी भारत ने, हाँ, एक बार मैं बात आपके मन से बताना चाहता हूँ कि अफ्रीकन यूनियन को भी इसके साथ लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनको भी इस सम्मेलन में लाने का काम उन्होंने किया है। ये मुझे लग रहा है कि पूरे दुनिया भर में एक बड़ा मैसेज देने के लिए खड़ा है और आज भारत उस मेज़बानी के लिए खड़ा है। मुझे लग रहा है भारत बहुत तेज़ी के साथ थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत जल्द बनेगा और ये हम सब देखेंगे।